श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध के 13वां अध्याय। इसके पहले हम लोग उद्धव और श्री कृष्ण संवाद के रूप में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुन रहे थे। अब इस 13वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब सत्व की वृद्धि हो जाती है तब जीव मेरे भक्ति रूप स्वधर्म को प्राप्त करता है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही श्रेष्ठ धर्म है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तो उनके कारण होने वाले अधर्म भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। शास्त्रज्ञ महात्मा लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, जिसकी निंदा करते हैं वे तामसिक है, और जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वे राजसिक है। प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी नष्ट हो जाता है, और इस सत्वगुण से जीव भक्ति रूप स्वधर्म को प्राप्त करता है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं, विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान पद्मापदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवत। हे भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है तो इसके कारण रजोगुण की ओर झुक जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता लग जाता है, अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा प्राप्त करना बड़ा कठिन है। वह अज्ञानी काम बस अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस में होकर यह जान कर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख है करता रहता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे, इसमें अभ्यास करते रहे। असफलता होने पर भी उबे नहीं बल्कि उत्साह से इसमें जुड़े रहे। प्रिय उद्धव, सनकादिक ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बतलाया है। उद्धव जी पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, सनकादिक ऋषियों को आपने योग का उपदेश किया, किस रूप में किए, उसको मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे उद्धव जी, सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में प्रश्न किया। सनकादिकों ने पूछा कि पिताजी, चित गुणों अर्थात विषयों में घुसा रहता है और गुण भी चित की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित और गुण आपस में मिले जुले हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है? तो श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं, स्वयंभू हैं, प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादिक के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और इसके मूल कारण को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। तो उस समय ब्रह्मा जी भक्ति भाव से मेरा चिंतन किए, तब मैं हंस रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछे, आप कौन है? हे उद्धव जी, उनके पूछने पर उस समय मैंने कहा, हे ब्राह्मणों, आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न युक्ति संगत नहीं है। मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से सभी अभिन्न हैं।
ऐसी स्थिति में आप कौन है, आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, निरर्थक है। हे पुत्रों, यह चित चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित में प्रविष्ट हो जाता है, यह बात सत्य है। फिर भी विषय और चित दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के उपाधि मात्र है। आत्मा का चित और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित में प्रविष्ट हो गया है, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मेरा साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। ये सबके सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के लिए स्वप्न देखे गए पदार्थ। ये नितांत असत्य है, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ या बस शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही स्वरूप सिद्ध पुरुष जिस समय अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, उस समय वह प्रारब्ध बस खड़ा है या चल रहा है या दैव बस कहीं गया आया, इस पर कुछ विचार नहीं करता, क्योंकि नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर वह दृष्टि ही नहीं डालता। शरीर से होने वाले किसी क्रिया पर उसका ध्यान नहीं रहता। ऐसे जोग में आरूढ़ व्यक्ति स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित शरीर को कभी स्वीकार नहीं करता, वो अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को, हे ऋषियों, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ वह सांख और जोग दोनों का गोपनीय रहस्य है। तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं सांख जोग सत्य अरित तेज श्री कीर्ति दम इन सब का परम गति परम अधिष्ठान परमात्मा हूँ, श्री भगवान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, फिर भी साम्य असंगता आदि गुण मेरा सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद प्रिय और आत्मा हूँ। इस प्रकार उद्धव जी, मैं सनकादिक मुनियों के संशय को नष्ट किया, उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों के द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परमर्षियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम लौट आया। 14वें अध्याय में उद्धव जी पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है? हे मेरे स्वामी, आप तो भक्ति योग को निरपेक्ष और स्वतंत्र साधन बतलाए, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, यह वेद वाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी, फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभुव मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु अंगिरा मरीचि पुलह अत्रि पुलस्त्य और क्रतु इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। इसके बाद इस ज्ञान परंपरा को उनके संतानों ने ग्रहण किया। सभी व्यक्तियों के स्वभाव और उनकी वासनाएं सत्व रज और तम के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। यह वाणी ही अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक है। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार जस को, काम शास्त्री काम को, जोगवेता सत्य और सम दमादि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बताते हैं। कर्म योगी लोग यज्ञ तप दान व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बताते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं वे नाशवान हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है। वास्तव में उन सब की अंतिम गति घोर अज्ञान ही है।
इसलिए प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष कर्म फल आदि की आवश्यकता से ऊपर है, अंतःकरण से मुझे समर्पित कर चुका है, वह परमानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी भी अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता। वह एक अनिवर्चनीय सुख की अनुभूति करता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि र पुनर्भवम वा मयर पिता में क्षति मद बिनान्यत। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है न वह स्वर्ग से श्रेष्ठ रसातल का स्वामी बनना चाहता है। वह जोग की बड़ी बड़ी सिद्धियां और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। न तथा मे प्रियतम आत्म ज्योनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। प्रिय उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा आत्मा शंकर सगे भाई बलराम स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। भगवान अद्भुत बात कर रहे हैं। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन है, राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं। हे उद्धव, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, फिर भी वह क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। हे उद्धव, न साधयति माम जोगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपह त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। जोग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जाति दोष से युक्त हैं, जन्म से चंडाल हैं। उनके सारे दोष को मेरी भक्ति समाप्त कर देती है। इसके विपरीत जो लोग मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगता तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। और हे उद्धव, जो मेरा भक्त मेरे नामों का कीर्तन करते करते गदगद हो जाता है, जिसका चित पिघल कर बहने लगता है, एक क्षण भी मेरी भक्ति के अतिरिक्त वह नहीं रह सकता। वह कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी लाज छोड़कर ऊंच स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि संपूर्ण भुवन को पवित्र कर देता है, संपूर्ण संसार को पवित्र कर देता है। वाग गदगदा द्रवते जस्य चितम रुदत्य भीष्णम हसति क्वचित विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरी भक्ति से युक्त होकर वह भुवन को पवित्र कर देता है। यथा यथात्मा परिमीर्जते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। हे उद्धव, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं, मेरे स्वरूप का बोध होने लगता है। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आ जाती है, वैसे भक्ति करते करते हमारे भक्त को हमारे स्वरूप की जानकारी हो जाती है, हमारी लीला माधुरी का ज्ञान हो जाता है, वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है।
और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। सीधी सी बात है, संसार का चिंतन करने वाला का मन संसार में और मेरा चिंतन करने वाला का चित्त मुझ में लग जाता है। फिर आगे श्री भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से छोड़कर एकांत स्थान में बैठकर सावधानी से मेरा चिंतन करे, क्योंकि प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के संग से, लंपटों के संग से पुरुष को जैसा क्लेश और बंधन होता है, वैसा क्लेश और बंधन और किसी के संग से नहीं होता। न तथा भवेत क्लेशो बंधस्य प्रसंगतः जोचित संगात यथा पुनसो यथा तत्संगी संगतः। इसके बाद उद्धव जी पूछते हैं कि हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर सीधा आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्र भाग पर जमावे। प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे अपने इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करना चाहिए और ओंकार का चिंतन करते हुए प्रतिदिन 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते रहने से एक महीना के अंदर ही प्राण वायु बस में हो जाता है। इसके बाद हमारे स्वरूप का चिंतन करे, नख से सीख तक और सीख से नख तक बार बार भगवत स्वरूप का स्मरण करे। इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन बुद्धि को एकाग्र करके हमारे स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर चार भुजाएं हैं, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है, उस पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है, दोनों कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहा है, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा है, श्री वत्स एवं लक्ष्मी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है, हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, गले में वनमाला लटक रही है, चरणों में नुपुर शोभा दे रही है, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है, अपने स्थान पर किरीट, कंगन, करधनी, बाजूबंद अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, एक एक अंग अत्यंत सुंदर और हृदयहारी है, सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। हे उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करते रहना चाहिए और अपने मन को एक एक अंगों में लगाना चाहिए। मेरे सिवा किसी वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। यद्यपि मन इधर उधर जाता है, फिर भी उसे मेरे स्वरूप में लाना चाहिए, मेरे रूप चिंतन में लगाना चाहिए। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान जो के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से संसार के वस्तुओं का चिंतन समाप्त हो जाता है और वह समस्त कर्मों के जाल से निवृत्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। इसके बाद 15वें अध्याय में उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी संख्या कितनी है, आप योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, योग धारणा के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं, दूसरों में न्यून तथा 10 सत्गुण के विकास से प्राप्त हो जाते हैं। तो 18 प्रकार की सिद्धियां इस प्रकार हैं। अणिमा, पंच भूतों के सूक्ष्मतम मात्राएं अर्थात चट्टान में प्रवेश करने की शक्ति अणिमा कहलाती है। महिमा, आकाश आदि मेरे शरीर में मन लगाना महिमा सिद्धि है। लघिमा, वायु आदि चार भूतों में चित्त को तदाकार करना लघिमा है। प्राप्ति, सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर चिंतन करना प्राप्ति है। प्राकाम्य, मुझ महत्वाभिमानी में अपना चित्त लगाना प्रकाम्य है, जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। ईशिता, शरीरों और जीवों को अपने इच्छा अनुसार चलाना ईशित्व है। वसिता, मेरे नारायण स्वरूप में मन लगाना तथा मेरे स्वाभाविक गुण प्राकट्य वसिता नाम की सिद्धि है। कामा बसाइता,
अपना निर्मल मन मेरे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में स्थित करना कामा बसाईता है। नौवा, छह उर्मियों से मुक्ति, भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह आदि से मुक्ति। दूर श्रवण, मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन, आकाश में उपलब्ध होने वाले विविध प्राणियों की बोली सुन लेना, समझ लेना। दूरदर्शन, नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्र में संयुक्त का मन ही मन ध्यान करना, दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है ऐसे ध्यान करने से, उसे दूरदर्शन कहते हैं। मनोजव, मन शरीर को प्राणवायु के साथ जोड़कर मेरी धारणा करना मनोजव सिद्धि है। इसके प्रभाव से जहाँ जाना चाहे वहाँ चला जाता है। और तेरहवा, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना। चौदहवा, दूसरे शरीर में प्रवेश करना। पंद्रहवा, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ना। सोलहवा, अप्सराओं के साथ होने वाले देव क्रीड़ा का दर्शन करना। सत्रहवा, संकल्प की सिद्धि। और अठारहवा, सब जगह सबके द्वारा बिना हिचक के आज्ञा पालन। तो इस प्रकार ये 18 सिद्धियां हैं। इसके बाद 16वें अध्याय में उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी स्वर्ग पाताल आदि में आपके प्रभाव से युक्त जो जो विभूतियां हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार विभूतियों के विषय में जिज्ञासा कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी किया था, तब मैंने उसको अपने विभूति योग का प्रवचन किया था। हे उद्धव, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद, ईश्वर, नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूँ। हे उद्धव, गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने गुणवान पदार्थ हैं उनके स्वाभाविक गुण हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में मैं प्रथम कार्य श्रुतात्मा हूँ और सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ। कठिनाई से बस में होने वालों में मन हूँ। वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्य गर्भ हूँ और मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। अक्षरों में मैं आकार, छंदों में गायत्री, देवताओं में इंद्र, आठ वसुओं में अग्नि, द्वादश आदित्यों में विष्णु, एकादश रुद्रों में नील लोहित रुद्र, ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद, गौओं में कामधेनु, सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुण, प्रजापतियों में दक्ष, पितरों में आर्यमा, दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर, गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में वरुण, चमकने वालों में सूर्य, मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में ऊंचे श्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम, सर्पों में वासुकी, नागराजों में शेष, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में सिंह, आश्रमों में संन्यास, वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष और धनुधरों में त्रिपुरारी हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल, धान्यों में जव हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेताओं में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिक, सन्मार्ग प्रवर्तकों में ब्रह्मा और पंच महाजज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में वायु और योगों में समाधि हूँ। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण, ब्रह्मचारियों में सनत कुमार, धर्मों में कर्म संन्यास, सावधान रहकर जागने वालों में काल हूँ, ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजीत, युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में कृष्ण द्वैपायन, कवियों में शुक्राचार्य और भगवत स्वरूपों में वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, रत्नों में पद्मराग और सुंदर वस्तुओं में कमल, तीर्णों में कुश, हविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वावसु, अप्सराओं में ब्रह्मा के दरबार में रहने वाली अप्सरा पूर्व चित्ति, जल में रस, तेजस्वियों में अग्नि, ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। इस प्रकार हे उद्धव जी, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जहाँ कहीं भी मेरी विभूतियों का दर्शन होता हो,
उसमें मेरा ही तेज समझो, उसमें तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्य लज्जा त्याग सौंदर्य सौभाग पराक्रम तितिक्षा और विज्ञान आदि जो श्रेष्ठ गुण कहीं भी हो मेरा ही अंश है। इसके बाद 17वें अध्याय में उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा कर मनुष्य मात्र के धर्म वर्णाश्रम का विधिवत निरूपण कीजिए, उस धर्मानुष्ठान का वर्णन कीजिए जिससे आपके चरणों में भक्ति प्राप्त हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं कि हे उद्धव, वर्णाश्रम से मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्प के प्रारंभ में सभी लोग प्रायः धार्मिक होते थे, इसलिए उस युग को कृत युग कहते हैं, क्योंकि सभी लोग कृत कृत होते थे। उस समय लोग सदाचारी थे, मुझ शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। त्रेता युग के प्रारंभ में मेरे श्वास प्रश्वास से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद रूप त्रय विद्या प्रकट हुई, जिसे यज्ञ रूप में मैं आराध्य हुआ। हे उद्धव, मुझ विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। सम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमाशीलता सीधापन मेरी भक्ति दया और सत्य ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज बल धैर्य वीरता सहनशीलता उदारता उद्योगशीलता स्थिरता ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वभाव हैं। आस्तिकता दानशीलता दम्भहीनता ब्राह्मणों की सेवा वृत्ति धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य के स्वभाव है। ब्राह्मण गाय देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा और उसी से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र का स्वभाव है। अपवित्रता झूठ बोलना चोरी करना ईश्वर और परलोक की परवाह न करना झगड़ा काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना ये अंत्यजों का स्वभाव है। म्लेच्छ और मुसलमान आदि अंत्यज के अंदर आते हैं। इसके बाद आश्रम ब्रह्मचर्य आचार्य के निर्देश से शास्त्र का अभ्यास साधारण वेशभूषा वीर्य रक्षा करना स्वयं कोई प्रयास नहीं स्वप्न आदि में वीर्यपात होने पर भी स्नान कर प्राणायाम और गायत्री का जप करना आचार्य के आज्ञा का अनुवर्तन ये ब्रह्मचर्य के लक्षण है। जब तक विद्याध्यन पूरा न हो तब तक गुरुकुल में निवास करें। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को कभी भी स्त्रियों को देखना स्पर्श करना हंसी मजाक करना मैथुन रत प्राणियों को देखना इत्यादि वर्जित है। अध्ययन संपन्न होने पर गुरु दक्षिणा देकर तथा अनुमति लेकर आश्रम परिवर्तन कर गृहस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम अपने अनुरूप कुलीन उम्र में छोटी अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। यदि काम बस अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो अपने से निम्न वर्ण से कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय से क्षत्रिय वैश्य से। यज्ञ जगादि अध्ययन और दान आदि में सभी वर्णों का समान अधिकार है, परंतु दान लेने पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इससे तुच्छ विषय भोग नहीं भोगना चाहिए। जीवन पर्यंत तपस्या और भक्ति पूर्वक भगवत भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थ को ब्रह्म जग पितृ जग देव जग भूत जग अतिथि क्रिया आदि के द्वारा ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करते रहना चाहिए। हे उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुम्ब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुम्ब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात समझ लेनी चाहिए, जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है वैसे ही स्वर्गादिक परलोक के भी भोग नाशवान है। जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है वह वैसा ही है जैसे किसी प्यायु पर कुछ बटोहियों का इकट्ठा हो जाना। सबको अलग अलग रास्ते पर जाना है, जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही शरीर के रहने तक ही रहता है, फिर कौन किसको पूछता है। मूर्खता बस अज्ञान बस लोग घर गृहस्थी में हाय हाय करते रहते हैं, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, पत्नी बाल बच्चे कैसे
रहेंगे मेरे अभाव में, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे चलेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से चित विक्षिप्त रहता है, वह मूढ़ विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उसी में उलझ कर अपना जीवन खो बैठता है और मर कर तमोमय नरक में चला जाता है। फिर श्री भगवान आगे के 18वें अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने छोटे बच्चों का पालन करना चाहिए। जब बच्चे सयाने हो जाएं, तो पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंपकर अथवा साथ लेकर वन में जाकर सन्यासी धर्म का अभ्यास करना चाहिए। वन के पवित्र कंद मूल फल से शरीर का निर्वाह करना चाहिए। केश रोए नख दाढ़ी मूछ न काटें। जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करें, धरती पर सोवे, सर्दी गर्मी सहे, देश काल के सदाचार का पालन करें और समय और काल के अनुसार जो कुछ प्राप्त वस्तु हो उसी से जीवन निर्वाह करें। स्वयं प्रयास करके जीवन निर्वाह करें। वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास चतुर्मास आदि का वैसा ही विधान है जैसे गृहस्थों के लिए। तपस्या पूर्वक जीवन यापन करते हुए मेरी आराधना के द्वारा ऋषियों के लोगों को होते हुए मुझे प्राप्त करता है। वानप्रस्थ से संन्यास लेने के लिए अपना सर्वस्व ऋतुजों को दे देना चाहिए। किसी स्थान वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करना चाहिए। संन्यास, सन्यासी केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक ऊपर से एक टुकड़ा लपेट ले, इससे जिससे लंगोटी ढक जाए। आश्रमोचित दंड कमंडल के अतिरिक्त कोई भी वस्तु अपने पास न रखे, यह नियम केवल आपत्ति काल में टूट सकता है। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम ये दंड है। मधुकरी केवल 7 घरों से ले सकता है, कहीं भी आसक्ति न रखे, जितेंद्रिय होकर निर्जन स्थान में रहे। पवित्र देश नदी पर्वत वन और आश्रमों में बिना ममता जोड़े घूमता रहे। कर्मकांड पाखंड तर्क वितर्क वाद विवाद से बचे, किसी की निंदा या अपमान न करें, प्रारब्ध से संतुष्ट रहे। किसी भी अवस्था में मेरी भक्ति श्रेष्ठ है, मेरे भक्ति का आचरण करें। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि वर्ण और आश्रम का ठीक ठीक पालन करने वाले लोग यदि भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते तो नरक चले जाते हैं। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्व कर्म क्रियाओं से ही रौरव पड़ी मजे। चारों वर्ण और आश्रम के लोग अपने धर्म का पालन यदि ठीक ठीक करते हैं लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो उनका सारा धर्म कर्म नरक का कारण हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण के लोग और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम के लोग अपने अपने धर्म का ठीक पालन करें फिर भी नरक चले जाएंगे क्योंकि कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करके अपने स्वधर्म को भी सार्थक करना चाहिए। इसके बाद 19वें अध्याय में उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हे विश्व रूप भगवान, आप ही विश्व के स्वामी हैं, आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन और विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का वर्णन कीजिए जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष ढूंढा करते हैं। हे मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं, भीतर से जल रहे हैं, उनके लिए आपकी अमृत वर्षी जुगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं है। दष्टम जन्म संपतितम विलेस्मिन कालाहीना क्षुद्र सुखो रुतर्षम समूधरैनम कृपया पवर गई बचो भीरासिंच महानुभाव। हे महानुभाव, आपका यह सेवक अंधेरे कुआं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प इसे डस रखा है, फिर भी विषयों की क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं है, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त कराने वाली बाड़ी की सुधा धारा से सारा बोर कर दीजिए। हे प्रभु, अस्मिन बिले संपतितम, इस संसार रूपी बिल में आपका जन आपका भक्त गिर चुका है और इस बिल में इस कुएं में काल रूपी सर्प है, काला हिना दष्टम, काल रूपी सर्प के द्वारा वह दंशित है,
काल रूपी सर्प उसको डस लिया है और सर्प डसने से उसका त्रास बढ़ गया है। क्षुद्ध सुखो रुतरसम, प्यास बढ़ गया है और वह प्यास क्या है, तुच्छ विषय भोगों की लालसा। इसलिए हे प्रभु समुधरैनम, इस कुएं से, इस संसार रूपी बिल से मुझे निकालिए, कृपा कीजिए और कृपया अपवर्गई बचो भी आसिंच, अपने दिव्य वाणी से सिंचन कीजिए, हे महानुभाव मेरी रक्षा कीजिए। जब कोई विषैला सर्प डस लेता है तो विष व्याप्त होने पर त्रास बढ़ जाती है, जीव सूखने लगता है, पानी पानी का मांग करने लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को उसके मुख में पानी नहीं दिया जाता है, बाहर से पानी गिरा गिरा कर जब ठंडा किया जाता है, खूब सम्यक रूप से स्नान कराया जाता है, तब विष शांत होने लगता है। उसी प्रकार उद्धव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप अपने अलौकिक दिव्य वाणी से मुझको अभिषेक कीजिए, स्नान कराइए, सम्यक रूप से सींचिए, जिससे मेरा विष उतर जाए, मैं काल रूपी सर्प के द्वारा दंशित हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, अर्थात अपनी वाणी से मुझे तृप्त कीजिए। आप बताइए किस प्रकार हमारा चित आपके चरणों में लग जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, इसी प्रकार का प्रश्न महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से किए थे और उस समय हम लोग वहाँ उपस्थित थे। तो भीष्म पितामह ने जैसे उपदेश किया मोक्ष धर्म के साधनों के विषय में, वैसे ही मैं आपको उपदेश करता हूँ। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, ये 9, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, 11, 5 महाभूत और 3 गुण, अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परम तत्व को जानने का प्रयास किया जाता है। तो जब इन समस्त तत्वों को गिन गिन कर भगवत स्वरूप का अध्ययन किया जाता है तो इसको सांख्य कहते हैं और यह है परोक्ष ज्ञान, इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, इनडायरेक्ट ज्ञान। और जब उसी एक तत्व में अनुगत सबको देखा जाता है, अर्थात उसी एक को परम कारण के रूप में जब देखते हैं, तब होता है वह अपरोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गाधिक फलदायी यज्ञादि कर्मों के परिणामी ब्रह्म लोक पर्यंत स्वर्गाधिक सुख जो अदृष्ट है, प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी और नाशवान है। और इसके अतिरिक्त मेरी कथा में श्रद्धा, मेरे गुणों का गान, मेरी पूजा में निष्ठा, मेरी स्तुति, मुझे प्रणाम करना, मुझसे बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा करना, मुझ में मन लगाना इत्यादि, ये भक्ति है। मेरे लिए धन भोग प्राप्त सुख का त्याग करना और यज्ञ दान हवन जप तप और सब कुछ मेरे लिए करना। उद्धव जी, जिससे मेरी भक्ति हो वह धर्म है, जिससे ब्रह्म साक्षात्कार हो वह ज्ञान है, और विषयों से असंग रहना वैराग्य है, और अणिमादी सिद्धियों को प्राप्त करना ही ऐश्वर्य है। इसके बाद उद्धव जी एक ही साथ अनेकों प्रश्न करते हैं। उद्धव उवाच, यमः कति विधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण, कह समह को दमह कृष्ण, का तितिक्षा धृति प्रभु। हे रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? हे श्री कृष्ण, सम क्या है, दम क्या है? हे प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? किम दानम, किम तपसौर्जम, किम सत्यम मृतमुच्यते, कस त्यागो, किम धनम चेष्टम, को यज्ञ, काच दक्षिणा। आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रीत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? पुंसा किमसिद बलम श्रीमन, भगो लाभस्य केशव, का विद्या ह्री परा काश्री, किम सुखम दुखमेव च। हे केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भोग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री और सुख और दुख क्या है? कह पंडित, कह मूर्ख, कह पंथा, उत्पतश्च कह स्वर्गो नरको, कह स्वीत को बंधु रुत की गृहम। पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है?
स्वर्ग और नरक क्या है, भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है। कह आद्य को दरिद्रो वा कृपण कह कईश्वर एतान प्रश्नान मम ब्रूही विपरीतांश सतपथे। धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कृपण कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं, हे भक्त वत्सल प्रभु आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इसके साथ ही इसके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। तब श्री भगवान कहते हैं, यम 12 हैं, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियम 12 हैं, शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकारी चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए यह यम और नियम उपयोगी हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना सम है, इंद्रियों का संयम दम है, न्याय से प्राप्त दुख सहना तितिक्षा है, जिह्वा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है, किसी से द्रोह न करते हुए सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग तप है, वासनाओं पर विजय प्राप्त करना सुरता है, सर्वत्र सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है, सत्य और मधुर भाषण को रीत कहा गया है, कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है, धर्म ही मनुष्यों का धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है, सच्ची विद्या वही है जिसे आत्म साक्षात्कार हो जाए, निरपेक्षता की शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है, सुख दुख की भावना की समाप्ति सुख है, विषयों की कामना दुख है, बंधन और मोक्ष का जानकार पंडित है, शरीर में अहम बुद्धि मूर्खता है, निवृत्ति सच्चा सुमार्ग है, चित्त की बहिर्मुखता कुमार्ग है, सत्गुण की वृद्धि स्वर्ग है, तमोगुण की वृद्धि नरक है, गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं ही हूँ। भगवान स्पष्ट कहते हैं, बंधु गुरु रहम सखे, हे सखे वह हितोपदेष्टा बंधु मैं ही हूँ, वह गुरु मैं ही हूँ। और वास्तव में दैहिक संबंधी बंधु बंधु नहीं है, सच्चा हितोपदेष्टा गुरु ही बंधु है। मनुष्य शरीर सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, असंतोषी दरिद्र है, अजितेंद्रिय कृपण है, समर्थ स्वतंत्र और ईश्वर वह है जो विषयों में आसक्त नहीं है, विषयों में आसक्त असमर्थ है इत्यादि। इस प्रकार श्री भगवान उद्धव जी के अनेकों प्रश्नों का उत्तर अति संक्षेप में दिए। फिर उद्धव जी प्रश्न करते हैं 20वें अध्याय में कि आपकी वाणी ही वेद है, साध्य साधन का निर्णय उसी से होता है, आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है, यह विरोध देखकर मुझ में भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा भ्रम मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव मैंने ही वेदों एवं अन्यत्र भी मनुष्यों के कल्याण के लिए अधिकार भेद से तीन प्रकार के योगों का उपदेश किया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। हे उद्धव जी, जो लोग कर्मों और उसके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। और जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा में श्रद्धा प्राप्त कर लिया है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं उसके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्मय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादिक सुखों से वैराग न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेदेत जावता मत कथा श्रोणादौ श्रद्धा जावन न जायते। श्री भगवान कहते हैं
कि तावत कर्माणि कुर्वीतः, तब तक कर्म करते रहना चाहिए, न निर्वेदेत जावता, जब तक उन कर्मों से वैराग्य न हो जाए, उस कर्म के प्रति दोष बुद्धि न हो जाए। मत कथा श्रवणादौवा श्रद्धा जावन न जायते, अथवा मेरी कथा श्रवण में रुचि न उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, तब तक कर्म करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब तक भगवत कथा में श्रद्धा न हो जाए, रुचि न उत्पन्न हो जाए, तब तक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि तब तक कर्मों से वैराग ही नहीं हो पाएगा। जब भगवान के विषय में सुनते हैं, स्वरूप के विषय में सुनते हैं, संसार के दुखमय अवस्था के विषय में सुनते हैं, तब वैराग्य उत्पन्न होता है, कर्मों के प्रति दोष बुद्धि होती है, तब कर्म अपने आप छूटने लगता है। तो मुख्य साधन या मुख्य फल भगवान की भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि है। श्रवण कीर्तन करने से कर्मों के प्रति वैराग्य होता है, और वैराग्य के बाद श्रवण कीर्तन प्राप्त किया जाता है। इसमें अद्भुत बात भगवान कह रहे हैं कि तब तक कर्म का पचर रहता है जब तक कथा में श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, अथवा तभी तक संसारिक दुख, संसारिक बंधन है, कर्मों का पचर है, जब तक भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा उत्पन्न हो गई, कथा सुनने लगा, तब कर्म में दोष बुद्धि हो जाएगा और वो कर्म बंधन अपने आप छूट जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। अन्यथा बिना कथा में श्रद्धा उत्पन्न किए एकाएक कर्म छोड़ने से, वैराग्य का दंभ करने से फिर व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि अपने श्रवण कीर्तन को बढ़ावे, धीरे 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 श्रवण करते करते चित कर्म में दोष बुद्धि कर ले और फिर वह संसारिक भोगों से विरक्त हो जाए। फिर इसी संदर्भ में आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नभ स्वरेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्महा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों को प्राप्ति कराने वाला है, अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी यह सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका है, शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर को पार नहीं कर जाता, वह तो अपने हाथों अपना वध कर रहा है, अपना हत्या कर रहा है, वह आत्महत्या रहा है। अर्थात हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर आदि शरीर है, इसी शरीर से विभिन्न लोकों के लिए, विभिन्न जोनियों के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यह कर्म जोनी है, यहाँ पर समस्त कर्मों का फल तैयार होता है और उसके अनुसार जीव विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीर प्राप्त करता है और अपने कर्मानुसार सुख दुख को भोगता रहता है। तो यह आद्यम है और दुर्लभम सुदुर्लभम, यह अत्यंत कठिन है, बहुत कठिनाई के बाद, बहुत कुछ प्रयास के बाद भगवत कृपा से यह सुलभ हुआ है। तो यह मनुष्य शरीर इस भवसागर को प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ नौका है, और भगवत कृपा से इस नौका को खेने के लिए कोई आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हो गए, जो आध्यात्मिक निर्देश देने लगे, तो उनके द्वारा यह नौका भवसागर को पार कर जाएगी, और भगवत कृपा से अनुकूल वातावरण प्राप्त हो गया, जिस दिशा में जाना हो उसी के तरफ हवा बह गई, अनुकूल व्यवस्था प्राप्त हो गया, इस्कान जैसी संस्था प्राप्त हो गई, भक्त लोग प्राप्त हो गए, श्रवण कीर्तन का प्रचुर अवसर मिलने लगा, भगवत मंदिर भगवत धाम प्राप्त हो गया। ये सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद बुद्धिमान पुरुष को भवसागर पार कर लेना चाहिए। अगर ये सब प्राप्त करने के बाद भी जीव यदि भवसागर को पार नहीं कर पाता है, भवसागर से पार नहीं हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से आत्महत्यारा है। इसके बाद फिर आगे भगवान इसी साधन भक्ति की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मेरी कथा में श्रद्धा, भोगों को दुख जनक समझे, मन ही मन उसकी निंदा करे और अपना दुर्भाग्य समझकर उससे छुटकारा प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय हो, फिर प्रेम से मेरा भजन करे। तो ऐसे भक्त जो नित निरंतर भक्ति योग में लगा हुआ है, संसार के सभी दुखों को आसानी से पार कर जाता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभतेन जसा,
स्वर्गापवर्गम मत धामम कथंचित यदि वांछति। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त करना चाहे वह सब भक्ति योग के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है, यदि वह चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है सब कुछ। दो श्लोक एक साथ है, 32-33। यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी अरितरैरपि सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेंजसा स्वर्गापवर्गम मद धामम कथंचित यदि वांछति। वह जो भी चाहे प्राप्त कर लेगा, लेकिन वह कुछ चाहता नहीं, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है। तो इस प्रकार मेरे भक्ति का आश्रय लेकर वह परम कल्याण स्वरूप मेरे धाम को प्राप्त करता है और सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसके बाद फिर श्री भगवान 21वें अध्याय में कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के तीन मार्ग भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धन में निष्ठा रखना गुण कहा जाता है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा दोष है। हे उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान है, फिर भी वेदों ने इसके वर्ण और आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिया है कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करे, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को सिद्ध कर ले। शुद्धि, अशुद्धि, गुण, दोष, शुभ, अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण करना और उसमें संदेह उत्पन्न करके योग अजोग स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित करना। हे उद्धव, वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग नहीं है, वहाँ का निवासी ब्राह्मण भक्त न हो, कीकट संस्कार रहित ऊसर भूमि हो, तो वहाँ किसी भी प्रकार के शुभ कर्म नहीं किए जा सकते। और समय वह पवित्र है जिसमें कर्म करने की सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके, स्नान, दान, तपस्या, व्यय, सामर्थ, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री गुण है किंतु शूद्र के लिए दोष है। दूध का व्यापार वैश्य के लिए गुण है किंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, बल्कि श्रेष्ठ पुरुष के लिए सर्वथा त्याज्य है। गृहस्थों के लिए अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है किंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। हे उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ, वैसे ही जो पहले से ही पतित है उनका अब और पतन क्या होगा। दैट इज डाउन, नो फियर नो फॉल। हे उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना जग जाती है और उस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से मनुष्य कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त कर देता है। तो इस प्रकार अब मनुष्यता को छोड़कर पशुता में आ जाता है, इस प्रकार वह अस्तित्वहीन हो जाता है। मनुष्य जन्म से ही विषयों में आसक्त है और उनकी आसक्ति आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। कर्मवादी दुर्बुद्धि लोग वेदों का तात्पर्य न समझकर कर्माशक्ति बस पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद आरोपित कर माया मात्र कहकर वर्णन करती है, अंत में मुझ में शांत हो जाती है क्योंकि अधिष्ठान रूप में मैं ही शेष रहता हूँ। अर्थात संपूर्ण श्रुतियों का बस एकमात्र लक्ष्य मैं हूँ। इसलिए हे उद्धव, मेरे विषय में पूर्ण सावधान रहकर मेरी भक्ति करनी चाहिए। इस संसार में व्यक्ति इस प्रकार बंध जाता है
कि वह संसार के सुख को और भगवत सुख को अलग अलग नहीं कर पाता। जो निश्चित रूप से दुखमय है, क्षणिक है, नाशवान है, ऐसे संसारिक सुख के पीछे पड़ा रहता है और नित्य शाश्वत परम सुखमय भगवत स्वरूप से अलग हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि अपने स्वरूपगत कर्तव्य भगवत भक्ति को स्वीकार करे और इस अनित्य सुख का पीछा छोड़ दे। तो इस प्रकार फिर आगे भगवान 22वें अध्याय में तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक का वर्णन करते हैं। उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ऋषियों ने तत्वों की संख्या 28, 26, 25, 7, 9, 6, 4, 11, 17, 16, 13 अनेक प्रकार से बतलाते हैं। इतनी विभिन्नताओं की क्या आवश्यकता है, क्यों इतनी विभिन्नता है, कृपया आप बतलाइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वो सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके लोग इस तरह की बात कहते रहते हैं। हे पुरुष शिरोमणि, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। इसके बाद फिर उद्धव जी पूछते हैं कि हे श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो। श्री भगवान कहते हैं कि हे मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को तीन भागों में बांटा गया है, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरण के लिए नेत्र अध्यात्म है, रूप अधिभूत है, नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता अधिदैव है, परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, इसलिए तीनों परस्पर सापेक्ष हैं। जिस प्रकार नेत्र के तीन भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका और चित आदि के भी तीन तीन भेद हैं। त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जिह्वा रस और वरुण, नासिका गंध और अश्विनी कुमार, चित चिंतन का विषय और वासुदेव, मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी त्रिविध तत्वों में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका न उन पदार्थों से कोई संबंध है, न उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति, है नहीं है, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि जितने रूप हैं, जितने वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण अज्ञान है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन है, सर्वथा व्यर्थ है। तो फिर उद्धव जी तीसरा प्रश्न इसी अध्याय में करते हैं कि हे भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंच नीच जोनियों में जाते रहते हैं। अब यह प्रश्न है कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर मान बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे आना जाना प्रतीत होने लगता है। यद्यपि वह भ्रांति मात्र है, आत्मा न मरता है न जन्मता है, वह अजर अमर है, लेकिन शरीर के अभिवृद्धि विनाश से वह अपने को मरना जीना समझता है। प्रिय उद्धव, इसलिए इंद्रियों से विषयों के जो भोग प्राप्त होते हैं उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला
सांसारिक भेद भ्रम मूलक है, ऐसा समझना चाहिए। असाधु पुरुष गर्दन पकड़ कर अगर बाहर निकाल दे, वाणी के द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, अथवा तरह तरह से विचलित कर दे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, किसी भी प्रकार के उपद्रव करे, तो उसे क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का पता नहीं है। सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि से समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है सहनशीलता। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों के किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। हे विश्वात्मन, जो आपके भगवत धर्मों के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया गया तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। तब श्री भगवान उद्धव जी के जिज्ञासा की अनुशंसा करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे बृहस्पति शिष्य उद्धव, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु बाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल लें। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बाग बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक पवित्र इतिहास कहते हैं, मैं वही आपको सुनाऊंगा, आप मन लगाकर सुनिए। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। खेती व्यापार आदि से उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। वह कृपण था, कामी था, लोभी और क्रोधी था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को भी कभी मधुर वाणी से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की बात तो दूर रही। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण बेटे, बेटी, भाई, बंधु, नौकर, चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। पंच महाजग के भागी देवता लोग भी बिगड़ गए। देखते देखते सारा धन नष्ट भ्रष्ट हो गया। कुछ कुटुम्बियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा लिए, कुछ आग लग जाने से जल गया, कुछ दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। धन के नाश से हृदय में बड़ी जलन हुई। उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि हुई और उत्कट वैराग्य हो गया। उसने धन के दोषों को मन ही मन वर्णन किया, फिर बड़ी ही सुंदर शब्दों में अपने वैराग्य के लिए निर्णय लिया। एकादश स्कंद के इस 23वें अध्याय में भगवान इस तितिक्षु ब्राह्मण की कथा बड़े प्रेम से कह रहे हैं। फिर वह मन ही मन कहने लगा कि हाय हाय, बड़े दुख की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा, न मेरे सुख भोग में काम आया। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने में और खर्च करने में तथा नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से छोड़ दे। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष को खो दिया। ओहो, अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूंगा। फिर भी कोई बात नहीं, इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो मुझको इस दशा में पहुंचाए हैं। मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिए हैं। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका है, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरे जीवन में शेष आयु है तो मैं बड़ी सावधानी के साथ तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा शरीर को सुखा डालूंगा। अभी निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम प्राप्त कर ली। इसके बाद वह
ब्राह्मण शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया और पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता था, लेकिन वह अवधूत बेचारा बूढ़ा हो गया। लोग उसका अपमान करते थे, दंड छीन लेते थे, भिक्षा पात्र झटक देते थे, कभी कोई आसन कंथा और लंगोटी छीन लेते, कभी वस्तुएं दिखा दिखा कर फिर छीन लेते। ऐसे पापी लोग थे जो उसके सिर पर मूत देते, कभी थूक देते, उसे बांध लो कह करके डांटते और कहते, देखो देखो यह कृपण धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जब चली गई, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब भीख मांगने का रोजगार अपनाया है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता, फिर भी वह चुपचाप सह लेता, किसी के बातों से दुखी नहीं होता, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सबको आसानी से सह लेता। बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहने लगा। सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार व्यक्त करता जो अत्यंत उपादेय है, महत्वपूर्ण है। श्री भगवान ब्राह्मण के उद्गार को व्यक्त करते हैं। कभी कभी वह ब्राह्मण उद्गार व्यक्त करता, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद यत। मेरे सुख और दुख का कारण ये मनुष्य है और न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म और न काल। महात्मा लोग मन को ही इसका परम कारण मानते हैं। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है, केवल मन में दुख की अनुभूति हो रही है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधि। दान अपने धर्म का पालन, नियम यम वेदाध्ययन सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। देहम मनो मात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यात्यन्धधियो मनुष्या एषो अहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरंत पारे तमसी भ्रमन्ति। मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो ये इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं, फिर इन भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं, या मैं हूँ या दूसरा है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर महर्षि भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंधांग्रि निसेवयैव। बड़े बड़े प्राचीन ऋषियों मुनियों ने इस परात्मनिष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है, मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास पार कर जाऊंगा। इस प्रकार निर्णय लेकर वह ब्राह्मण भगवान के भक्ति में तल्लीन हो गया। तो आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह भिक्षु गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता, उनके बीच में वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। यह एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्म निष्ठाम समाहितः धारयत श्रावयत श्रृण्वन द्वंद्वै नैवाभिभूयते। फिर आगे 24वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, आज मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की गति उसमें नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। हे उद्धव, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया और वह सत्व रज तम ये तीन गुण प्रकट हुए और इससे उनमें क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति महत्तत्व प्रकट हुए। फिर ये दोनों परस्पर मिलकर अहंकार को प्रकट किए। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। यह तीन प्रकार का है, सात्विक राजस और तामस। और ये सभी पदार्थ जो अहंकार से उत्पन्न हुए, अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है।
तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने एक ब्रह्मांड रूप अंड को उत्पन्न किया और जब यह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ और विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, इसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुआ और स्व अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीनों लोकों की रचना किए और इनमें देवताओं भूत प्रेतों और मनुष्यों के रहने का स्थान निश्चय किए। देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक, भूत प्रेत आदि के लिए भुआ लोक अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भू लोक पृथ्वी लोक निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महर लोक तप लोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल बीतल सूतल आदि सात पताल बनाए। सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है और गुण प्रवाह में पड़कर जीव उसमें कभी डूबता है कभी उतराता है कभी ऊपर कभी नीचे उत्तम मध्यम निम्न अवस्था प्राप्त करता रहता है। तो इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है। तो इस प्रकार इस संसार की सृष्टि होती है और फिर क्रमशः इसका विनाश हो जाता है। तो हे उद्धव, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। जो पुरुष तत्वतः इस सांख्य जो का ध्यान करता है उसे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके बाद श्री भगवान आगे तीन गुणों की वृत्तियों का निरूपण करते हैं 25वें अध्याय में। आगे भगवान कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद होता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार पुरुषों में अलग अलग भेद हो जाता है। जैसे गुण की वृत्तियां होती है वैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाता है। समो दमस्तिक्षेक्षा तप सत्यम दया स्मृति ही तुष्टि त्यागो स्प्रिया श्रद्धा हृदयादि स्वनिर्वृत्ति। सम मन संयम, दम इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा सहिष्णुता, विवेक तप, सत्य दया स्मृति संतोष, त्याग विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा लज्जा पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति दान विनय और सरलता, ये सत्य गुण की वृत्तियां हैं। काम इहा मद तृष्णा स्तंभ आशीर्भिदा सुखम मदोत्साहो जसह प्रीति हास्यम वीरजम बलोद्यम। इच्छा प्रयत्न घमंड तृष्णा आयठ या अकड़ देवताओं से धन आदि की याचना भेद बुद्धि विषय भोग उत्साह अपने जस में प्रेम हास्य प्राकर्म और हठ पूर्वक उद्योग करना इत्यादि ये रजोगुण की वृत्तियां हैं। क्रोधो लोभो नृतम हिंसा यांचा दंभ क्लमह कली शोक मोह विषादार्थी निद्राशा भीर अनुद्यम। क्रोध असहिष्णुता लोभ मिथ्या भाषण हिंसा याचना पाखंड श्रम कलह शोक मोह विषाद दीनता निद्रा आशा भय और अकर्मणता ये सब तमोगुण की वृत्तियां हैं। तो इस प्रकार इन गुणों की वृत्तियों के साथ साथ सत्व रज तम के लक्षण क्या है, व्यक्ति जब इन गुणों को प्राप्त कर लेता है तो उसकी अवस्था क्या होती है, तो सत्व चित्त की प्रसन्नता, इंद्रियों में शांति, देह की निर्भयता, मन में अनासक्ति सत्वगुण के वृद्धि के लक्षण है। वन में निवास और आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक है। और रज कार्य करने में बुद्धि चांचल्य, ज्ञान इंद्रियों का असंतोष, कर्म इंद्रियों में विकार, मन में भ्रांति, शरीर की अस्वस्थता रजोगुण की वृद्धि के लक्षण है। गांव में निवास और कर्म में श्रद्धा राजस है। तम चित ज्ञान इंद्रियों द्वारा विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, खीन हो जाए, मन सुना सना हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तो तमोगुण का विकास है।
जीवा घर में निवास और अधर्म में श्रद्धा तामस तामस श्रद्धा है। और आगे भगवान अंत में कहते हैं कि मेरे मंदिर में निवास और मेरी सेवा में श्रद्धा निर्गुण है। फिर इस अध्याय के अंत में श्री भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूपी विज्ञान की प्राप्ति संभव है, इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले, मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। इसके बाद 26वें अध्याय में श्री भगवान पुरुरवा महाराज के वैराग्योक्ति का वर्णन करते हैं, जिसको आयल गीत कहते हैं। पुरुरवा महाराज इला के द्वारा उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम आयल है और उनकी उक्ति को आयल गीत कहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरी प्रेम भक्ति करके मुझे प्राप्त करने के लिए है। विशेष सावधानी इस बात की है कि विषयों असत पुरुषों का संग कभी न हो, अन्यथा उनकी वही गति होगी जो अंधे के पीछे चलने वाले अंधे की होती है। परम यशस्वी पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गए और पीछे अज्ञान मिटने पर बड़ा सुंदर वैराग्य हुआ। उसने एक गाथा गाई जिसको आयल गीत कहते हैं। महाराज पुरुरवा जब नग्न अवस्था में पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ रहे थे और कह रहे थे, हे देवी, हे निष्ठुर हृदय, थोड़ी ठहर जा, भागो मत, रुक जाओ, फिर भी उर्वशी कोई ध्यान नहीं दी। वास्तव में उर्वशी इनका चित्त आकृष्ट कर ली थी, उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी न आती। तो अंत में काफी विषयों के सेवन के बाद विषय दुख की अनुभूति जब पुरुरवा महाराज किए, तब उन्होंने बड़ा सुंदर उक्तियों में अपने वैराग्य का वर्णन किया, जिसको भगवान हु बहु रखते हैं। ऐल उवाच, अहो मे मोह विस्तार काम कसमल चेत सह दिव्यागृहित कंठस्य नायु खंडाय मे स्मृता। हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित को इतना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है, हद हो गया। हाय हाय, उसने मुझे लूट लिया। अहो मे आत्म सम्मोहो जेनात्मा जोषितां कृतः क्रीड़ा मृग चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। अहो आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का कीड़ा मृग बना दिया। हाय हाय, कुतस्तस्यानुभाव स्यात् तेज ईशत्वमेव वा योन्वगच्छम स्त्रियम यान्तिम खर्वत पाद ताड़ितः। मैं गधे की तरह दुलतियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा, फिर मुझ में प्रभाव तेज और स्वामित्व तो भला कैसे रह सकता है। किम विदया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री भीर जस्य मनोहृतम। स्त्री ने जिनका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है, उसे तपस्या त्याग और शस्त्राभ्यास से कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खम पंडित मानिनम योहम ईश्वर ताम प्राप्य स्त्री भी गो खर वंजित। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत पंडित मानता हूँ, मुझ मूर्ख को धिक्कार है, धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। बोधितस्यापि देव्या में सुक्त वाकेन दुर्मते मनोगते महामोहो नापत्या त्यजितात्मनः। हाय हाय, उर्वशी ने मुझे वैदिक सुक्त के वचनों से समझाने का प्रयास किया, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई, मेरे मन का वह भयंकर मोह फिर भी मिटा नहीं।
जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ से बाहर निकल गई थी तो मैं समझता ही कैसे। हाय हाय कि मैं तया नोपकृतम रज्वावा सर्प चेत सह रज्जु स्वरूपा विदुषो यो हम यद जितेन्द्रिय। जो रसी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है तो रसी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी तरह उस उर्वशी ने हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेन्द्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। तस्मिन कलेवरे मेधे तुष्ट निष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रिय। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है, इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर बिष्टा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं, अथवा जला देने पर राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं ओ यह स्त्री कितनी सुंदरी है, इसका नाक कितना सुघड़ है और मंद मन मुस्कान कितनी मनोहर है। त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जा स्थित संघतु बिणमूत्र पूये रमताम क्रिमिणाम कियदंतरम। यह शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है, यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें क्या अंतर है। अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित विषयेन्द्रिय संयोगान मन क्षुभ्यति नान्यथा। इसलिए अपने भलाई समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर नहीं प्राप्त होता। अदृष्टाद श्रुताद भावान न भावो उपजायते असंप्रयुञ्जत प्राणान साम्यति स्तमितम मनः। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषां चाप्य विश्रब्ध षड्वर्ग किम मादृशाम। अतः वाणी कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। तो इस प्रकार पुरुरा महाराज की उद्गारों को व्यक्त करते हुए श्री भगवान आगे कहते हैं एवं प्रगायन नृपदेव देव स उर्वशी लोक मथो विहाय आत्मान आत्मान्यवगम्य माम वही उपार मद ज्ञान विधूत मोह। इस प्रकार पुरुरा महाराज उर्वशी के लोक का त्याग कर दिए और जब ज्ञान हो गया तो उसके मोह को त्याग करके आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए और शांत भाव में स्थित होकर मेरा भजन किए। ततो दुसंग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान संत एतस्य छिन्दन्ती मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरुआ महाराज की भांति कुसंग को छोड़कर सत्संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेश से उसके मन की आसक्ति को नष्ट कर देते हैं। संत एतस्य छिन्दन्ती, संत पुरुष तोड़ देते हैं उसके बंधन को। मनोव्यासंग मुक्ति भी, बहुत दिनों से मन में जकड़ी हुई विषय वासना को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? उक्ति भी, अपने प्रवचनों से, अपने वचनों से। तो इस प्रकार परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर है, जो उसका सेवन करता है उसके सारे पाप ताप धो जाते हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथा का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं, मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जय जय श्रीवंती गायंती हनुमोदंती चादृता मत्परा सद्द धानस्य भक्तिम विन्दति ते मयी। और आगे भगवान कहते हैं कि भक्तिम लब्धवतः साधो किम अन्य दवशिष्यते मई अनंत गुणे ब्रह्मणी आनंदानु भवात्मनी। हे उद्धव, मैं अनंत अचिंत कल्याणमय गुणगणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा, साक्षात ब्रह्म। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर
लोगों को जगत तथा अपने देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिर अर्क समुस्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च, मैं स्वयं संत के रूप में रहता हूँ। इस प्रकार श्री भगवान उद्धव से भक्ति की महिमा गा रहे हैं, सत्संग की महिमा गा रहे हैं। इसके बाद 27वें अध्याय में उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हे भक्त वत्सल प्रभु, जिस क्रिया जो का आश्रय लेकर भक्त जन आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस साधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए जिससे आप प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रति कहते हैं कि हे उद्धव जी, मेरी पूजा की तीन विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। मेरे भक्त को जो अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से जगो पवित्र संस्कार कर ले, दिव्यत्व को प्राप्त करे, फिर पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा वैदिक सामग्रियों के द्वारा मूर्ति, वेदी, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय अथवा ब्राह्मण में चाहे किसी में भी आराधना करे। प्रातः उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करना चाहिए। इसके बाद मेरी आराधना वैदिक और तांत्रिक विधि से करनी चाहिए। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा होती है। अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना पड़ता। प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैदिक पदार्थों से मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम है वह अन्यास प्राप्त वस्तुओं से या भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। यदि कोई भक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उसे संतुष्ट नहीं होता, और भक्त श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से मेरी पूजा करे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं से मेरी पूजा करे तो कहना ही क्या है। पूजा सामग्री जुटा कर कुश के चटाई पर पूर्व या उत्तर मुंह बैठ कर मेरी पूजा करे, फिर विधि पूर्वक अंग न्यास, करन्यास करे, इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे, फिर हाथ से पूर्व समर्पित वस्तुओं को हटाकर पोंछ ले, इसके बाद जल भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि से पूजा करे, गंध धूप आदि से मेरी पूजा करे, फिर पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करे, तत्पश्चात मेरी लीलाओं का गान करे, वर्णन करे, अभिनय करे, नृत्य करे, स्वयं मेरी कथा सुने, दूसरों को सुनावे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, इसके बाद दंडवत प्रणाम करे। जिस प्रतिमा में श्रद्धा हो उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। शक्ति हो तो सुदृढ़ मंदिर बनवावे, बगीचा लगवावे, नित्य पूजा, पर्व, यात्रा, उत्सव की व्यवस्था करे। जो लोग ऐसे कामों में सहायता करते हैं, प्रेरणा और अनुमोदन करते हैं, वे मरने के बाद स्वयं करने वाले के समान फल के भागीदारी होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी अधिक मिलता है। इस प्रकार भगवान अर्चन के लिए उत्साहित कर रहे हैं, मंदिर निर्माण आदि के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। फिर आगे परमार्थ का निरूपण करते हैं। उद्धव जी कुछ तो पूछते हैं, कुछ बिना पूछे ही भगवान बताते जा रहे हैं। हे उद्धव जी, व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से जगत 2 प्रकार का जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से सब एक ही अधिष्ठान स्वरूप है। इसलिए शांत, घोर, मूढ़ स्वभाव के अनुसार कर्मों की न तो स्तुति करनी चाहिए न निंदा। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करता है, वह शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ पद से च्युत हो जाता है। प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह सर्वात्मा भगवान ही है, यही विश्व सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण है। प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर
जगत में असंग भाव से विचरण करना चाहिए। फिर उद्धव जी पूछते हैं कि आत्मा दृष्टा तथा स्वयं प्रकाश है और देह दृश्य तथा जड़ है, इस स्थिति में दोनों का जन्म मृत्यु असंभव है, परंतु इसका होना उपलब्ध होता है, फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसका है, शरीर का कि आत्मा का? श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है पर वास्तव में है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उसका अस्तित्व नहीं मिटता है, वैसे ही संसार व्यापार नहीं होने पर भी अहंकार के कारण नित्य सा लगता है। अर्थे ही विद्यमानेपि संस्कृति न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो जथा। फिर अहंकार के कारण शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, जन्म मृत्यु का शिकार आत्मा को होना पड़ता है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार से अत्यंत तीखी बना ले और देहाभिमान रूप अहंकार का मूल उच्छेदन करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरे, फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। हे उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताता रहता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों का संस्कार मिटा नहीं है, स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति है, वह बार बार अधूरे जोगी को बेधता रहता है, कई बार जोग भ्रष्ट भी कर देता है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात की भी पता नहीं रहता कि बैठा है कि चल रहा है कि भोजन कर रहा है कि मल मूत्र त्याग रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है, वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। काश्चिन ममानु ध्यानेन नाम संकीर्तनादि भी योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्या दसु भदान छनई। इस प्रकार जो मन में विविध प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, चिंतन में बाधा पड़ रहे हैं, उनको नाम संकीर्तन के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार महामंत्र का जप करके इन विघ्नों से उपराम हो जाना चाहिए और महापुरुषों के सेवा के द्वारा विघ्नों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकता और उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह स्वरूपगत आनंद में विभोर हो जाता है, मग्न हो जाता है। इसके बाद उद्धव जी कहते हैं 29वें अध्याय में कि हे अच्युत, जो अपना मन बस में नहीं कर सका उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत कठिन समझता हूँ, अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिसे मनुष्य आसानी से कर सके और अनायास ही परम पद को प्राप्त कर सके। हे प्रभु, आप सबके प्रियतम और स्वामी हैं, आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं, आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में फंसा रखने वाले भोगों को क्यों आपसे चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों के रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। हे प्रभु, अति सुगमतम अपने भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उस मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास जीत लेता है। उद्धव भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। मेरा भक्त जिन पवित्र स्थानों में निवास करता हो उसी में रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरण का अनुसरण करे। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेले ही नृत्य गान वाद्य आदि का व्यवस्था करे, उत्सव करे, सब जगह सम दृष्टि रखे। अपने लोग यदि हंसी उड़ावे तो उड़ाने दे, उसकी परवाह न करे।
मैं अच्छा हूँ और बुरा है ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और सभी जीवों के साथ सम्मान का व्यवहार रखे, यहाँ तक कि कुत्ते, चंडाल, गौ और गधे तक को भी पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करे। भगवान भक्तों को दैन्यता सिखा रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, मेरे प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें से मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरा ही भावना किया जाए, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। सब जगह सभी जीवों के अंदर मैं हूँ, इस भावना से सबका सम्मान करे। विवेकियों के विवेक और चतुराई, चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी को प्राप्त कर ले, मेरी भक्ति करे। जो पुरुष मेरे भक्तों को इस भागवत धर्म का रहस्य स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञान दाता को मैं प्रसन्न होकर मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्म ज्ञान करा दूंगा। यह एतन मम भक्तेषु संप्रदद्यात सुपुष्कलम तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानम् आत्मना। यह एतत् समधीत पवित्रम परमम सुचि सपुयेता हरमाम ज्ञान दीपेन दर्शयन। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद परम पवित्र है, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका पाठ करता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाता है। यह एतत् श्रद्धया नित्यम अव्यग्रह श्रृणिया नरह मई भक्तिम पराम कुर्मन कर्मभीर न सबद्ध थे। जो कोई एकाग्र चित से इसे श्रद्धा पूर्वक नित सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे उद्धव, हे प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया और तुम्हारे चित का मोह और शोक दूर हो गया। हे उद्धव, तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत इसे देना। न तत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय सठाय च असुशोषो अभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम एतै दोषै विहीनाय ब्रह्मणाय प्रियाय च साधवे सुचये ब्रूयात् भक्ति स्याद् शुद्ध जोषिताम। जो इन दोषों से रहित है, ब्राह्मण भक्त है, प्रेमी है, साधु स्वभाव है, जिनका चरित्र पवित्र है, उसी को यह प्रसंग सुनाना। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हैं तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। फिर अंत में उद्धव जी भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए कहते हैं, नमोस्तु ते महाजोगिन प्रपन्नम मनुषाधिमाम यथा त्वचरणाम्भोजे रति स्यादन पायिनी। हे महाजोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है, अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री बन चले जाओ, वह मेरा ही आश्रम है, वहाँ मेरे चरण कमलों के धोन गंगा जल में स्नान करना और उनका सेवन करना, इससे तुम पवित्र हो जाओगे। उद्धव जी तो पहले से ही पवित्र थे, लेकिन भगवान गंगा की महिमा गा रहे हैं। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रहकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, सुख दुख जो कुछ आ जाए उसे समभाव से सहना, स्वभाव सौम्य में रखना, इंद्रियों को बस में रखना, चित शांत रखना और मेरे बताए हुए भागवत धर्म में सदा रमे रहना। इस प्रकार उद्धव जी को भगवान उपदेश किए और उद्धव जी भगवान की बात स्वीकार करके उनकी परिक्रमा किए और उनके चरणों पर अपना सिर रख दिए। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिंगो दिया। उद्धव जी कातर हो गए, उनको त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किए और इसके बाद नहीं चाहते हुए भी भगवान की इच्छा से वहां से प्रस्थान किए। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव हृदय में भगवान की छवि धारण किए हुए बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किए और वहां पहुंचकर उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत किया, भगवान के उपदेश के अनुसार स्वरूपभूत परम गति को प्राप्त किए। इसके बाद
तीसवें अध्याय में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जब महाभागवत उद्धव बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला की? परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का स्मरण कैसे किए? उन्होंने अपना अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्हित किए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी जदुवंशियों को बुलाए और कहने लगे, श्रेष्ठ जदुवंशियों, यह देखो द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात जमराज की ध्वजा के समान हमारे अनिष्ट के सूचक हैं। इस ब्रह्मश्राप से छुटकारा पाने के लिए हमें निश्चित रूप से शंखो द्वार क्षेत्र प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए और वहां पर जाकर एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करना चाहिए। उपवास करके एकाग्र चित्त से स्नान करके सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे और ब्राह्मणों को सत्कार करेंगे। ब्राह्मणों की कृपा से हो सकता है वह ब्रह्मशाप से छुटकारा प्राप्त हो जाए। इस प्रकार भगवान अपने जदुवंशियों से धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रेरित किए। सब लोग एक स्वर से स्वीकार कर लिए और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार कर रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा किए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार जादवों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ किए तथा सब प्रकार के मंगलमय कृत किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली। वे उस समय मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे जिससे उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। वह पीने में तो अवश्य मीठी थी, परंतु परिणाम सर्वनाशक करने वाली थी। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे सब घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। वास्तव में सच कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की माया से वे मोहित हो रहे थे। वे सब आपस में एक दूसरे पर क्रोधित होकर आक्रमण करने लगे, क्रोध से भर कर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर रिष्टि आदि अस्त्रों से एक दूसरे के साथ भिड़ गए। प्रदुम्न सांब से, अक्रूर भोज से, गद गद से, सुमित सूरत से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्राम जीत से क्रोध में भर कर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए। दासार्ह विष्णु अंधक भोज सात्वत मधु अर्बुद माथुर सुरसेन विसर्जन कुकुर कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का खून करने लगे। सब जब अस्त्र शस्त्र से नष्ट भ्रष्ट हो गए तब समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। वह घास ऋषियों के साप से उत्पन्न लोहे के मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुदगरों के रूप में परिणत हो गई। भगवान मना किए तो भी उन्हें और रोष हो गया और कृष्ण बलराम से लड़ने लगे। अब दोनों भाई एरका घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न दवानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मश्राप से ग्रस्त और भगवान की माया से मोहित जदुवंशियों के क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। अब भगवान संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। फिर श्री भगवान शांति का अनुभव किए। इसके बाद श्री बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर आत्म स्वरूप में स्थिर होकर इस लोक को छोड़ दिए। श्री बलराम की गति को देखकर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। बड़ा ही सुंदर रूप था श्री भगवान का। ठीक उसी समय जरा नामक एक बहेलिया आया। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुंह के समान दिखाई पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाण से बिंध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो अपराध कर चुका था इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु हे परम जसस्वी, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए।
हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ, आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का अपराध नहीं करूँगा। इस प्रकार विनम्र भाव से जरा भगवान के चरणों में गिर कर रोने लगा। तब श्री भगवान कहे, हे जरे, तू डरो मत, उठो, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। इसके बाद जरा भगवान की तीन बार परिक्रमा किया, नमस्कार किया और उनके सामने ही विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाते हुए उस क्षेत्र में पहुंचा और भगवान के द्वारा धारण की हुई तुलसी के गंध से युक्त वायु सूंघ सूंघ कर उनके स्थान का अनुमान किया और सामने आया। भगवान को देखा तो रथ से कूद करके तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरणों में निवेदन करने लगा, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा होती है, वैसे आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है, मेरे हृदय में शांति नहीं है। अभी दारू किस प्रकार की बात कर ही रहा था कि ठीक उसी समय भगवान का वह गरुण ध्वज रथ पताका घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक आश्चर्यचकित हो गया। फिर भगवान दारुक से कहते हैं, अरे दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहां जदुवंशियों को पारस्परिक संहार, भैया बलराम की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात जाकर सुनाओ। उनसे कहना कि अब तुम लोग अपने परिवार के साथ द्वारिका में मत रहो, मेरे नहीं रहने के बाद समुद्र इस नगरी को डुबा देगा। जो कुछ बचे खुचे लोग हैं उनको अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चला जाना चाहिए। हे दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय ले लेना और परम शांति का अनुभव करना। तो भगवान का यह आदेश प्राप्त करके दारुक भगवान की परिक्रमा किया, उनके चरणों में सिर रख कर बारम्बार प्रणाम किया। इसके बाद उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। एकादश स्कंद के अंतिम अध्याय में भगवान के स्वधाम गमन की कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दारू के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीतर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुण लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण लोग भगवान कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आ गए। वे सभी लोग भगवान के जन्म और लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश खचाखच भर गया। वे बड़े भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सर्वव्यापक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने कमल के समान नेत्र बंद कर दिए। इसके बाद अपने श्री विग्रह, जो उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है, समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है, उसको योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा द्वारा जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम चले गए। यहाँ सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट वर्णन करते हैं कि श्री भगवान अपने शरीर को लेकर अपने धाम चले गए, वो छोड़े नहीं। कुछ मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ दिए, जरा नामक बहेलिए के मारने से भगवान का शरीर यही छूट गया। लेकिन यहाँ उनके बात का खंडन हो रहा है कि भगवान अपने भुवन पावन परम दिव्य सुंदर श्री विग्रह को लेकर चले गए। भगवान के शरीर में और शरीरी में कोई भेद नहीं है। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान के स्वधाम गमन को वहाँ उपस्थित देवता लोग नहीं देख पाए, वे देखते ही रह गए। सभी लोग चकित दृष्टि से देख रहे थे। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम जोगमयी गति को देखकर बड़े विस्मय से उनकी प्रशंसा करने लगे और फिर अपने अपने लोक को चले गए। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, सांदीपनी मुनि के पुत्र को जमपुरी से लाकर सशरीर लौटा देने वाले तुम्हारे शरीर
जो ब्रह्मास्त्र से जल चुका था उसे जीवित कर देने वाले वास्तव में वो प्रभु यदि चाहे तो अपने शरीर को रख सकते थे, लेकिन नहीं रख पाए। वास्तव में उनकी शरणागत पत्सलता ऐसी है, और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया। अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर प्रहार करने वाले व्याध को सदैव स्वर्ग भेज दिए, शरीर भी नहीं छोड़ना पड़ा, उसी शरीर से स्वर्ग भेज दिए। हे परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य रख सकते थे, लेकिन भगवान ने जगत को सिखाया कि इस मनुष्य शरीर में आसक्त नहीं रहना चाहिए। यद्यपि भगवान के शरीर और मनुष्य के शरीर में काफी अंतर है, यहाँ देह और आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। फिर भी भगवान शिक्षा के लिए इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किए। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा को एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान की वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा जहाँ भगवान रहते हैं। येताम प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम प्रयतः कीर्तयेत भक्त्या तामे वापनोत्यनुत्तमम्। वह व्यक्ति उसी पद को प्राप्त करता है जहाँ भगवान रहते हैं, जो प्रातः उठकर भगवान के परधाम गमन की इस कथा को एकाग्रता से स्मरण करता है, कीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त करता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब दारुक जाकर के शोक संवाद द्वारिका में दिया तो उसको सुन करके सभी लोग मूर्छित हो गए। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपना प्राण छोड़ दिए। और इधर अर्जुन अपने प्रियतम सखा भगवान के विरह से तो पहले ही व्याकुल हो चुके थे, और जब संवाद मिला तो और दुखी हो गए, परंतु भगवान के उपदेश भगवत गीता का स्मरण करके अपने को आप को संभाला। जदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनका कोई पिंडदान देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन क्रमशः विधि पूर्वक करवाए। भगवान का आदेश दारुक के द्वारा मिला, उस आदेश का पालन अर्जुन बहुत अच्छे ढंग से किए। भगवान के नहीं रहने पर समुद्र भगवान के निवास स्थान को छोड़कर सारे द्वारिका को डुबा दिया। और फिर आगे अर्जुन पिंडदान के बाद बचे खुचे स्त्रियों और बच्चों बूढ़ों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किए। इंद्रप्रस्थ आने पर अनुरुद्ध के पुत्र बजनाभ को मथुरा मंडल का राज्याभिषेक किया गया। फिर आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि हे राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडव लोग अर्जुन के द्वारा भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे लोग अपने वंशधर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। एतद् देव देवस्य विष्णु कर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धया मर्त्य सर्व पापै प्रमुच्यते। हे महाराज परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार बिरजाणि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिम पराम परम हंस गतौ लभेत। हे महाराज परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परम हंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान के इस परम मनोहर लीला कथा का श्रवण करता है, चाहे वह बाल चरित्र हो, किशोर चरित्र हो, किसी भी चरित्र को जो व्यक्ति सुनता है वह भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद पूरा करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे। आगे दूसरे सत्र में द्वादश स्कंद जो भागवत के अंतिम भाग है उसको पूरा किया जाएगा। जय श्री राधे।